नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। आरोप है कि जेलर के करीबी बंदियों ने गर्म लोहे की छड़ से कैदी को दागा और उसके पीठ पर नाम लिख दिया। पीड़ित विचाराधीन कैदी इमरान खान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। और जयपुर से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संगीता प्रणवेंद्र जुड़ गई हैं इस खबर पर। संगीता, बेहद हैरान कर देने वाली ये खबर, इस तरीके से दरिंदगी ये कैदी के साथ, क्यों? जी हाँ, बेहद हैरान करने वाली खबर है। हमेशा से ये बात सामने आती रही है कि जेलों के अंदर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद अमानवीय हैं। ये जो आरोपी है इमरान खान, इसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का आरोप है, लेकिन इसके ऊपर पुलिसकर्मियों ने एक आरोप ये भी लगाया है कि एक पुलिसकर्मी के घर के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था जिसके अंदर इमरान के लोगों ने बॉम्ब फेंका। अब चूंकि ये जेल में बंद है तो लगातार उस मामले को लेकर के उसके साथ टॉर्चर किया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, और ये जो इसे गर्म लोहों से छड़ों से दागने का मामला और नाम लिखने का मामला है, ये 21 तारीख का बताया जा रहा है। आज इस समय इमरान को कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लाया गया है। जयपुर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने इमरान को पेश किया गया, उसकी बॉम्ब फेंकने वाले मामले के अंदर पेशी थी। जज ने उसकी हालत देखी है और इस समय जज ने ये आदेश दिए हैं कि तुरंत इमरान का मेडिकल कराया जाए और कोर्ट को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। संगीता, क्या आपके पास इस बात की जानकारी है वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये दरिंदगी की? देखिए, जो इसका इमरान का कहना है वो ये कहना है कि जो जेलर की कुछ खास करीबी बंदी है उन्होंने उसके साथ मारपीट की है और उनका ये कहना है। संगीता, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।